गदरपुर उद्योग व्यापार मंडल द्वारा अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए नवीन कार्यकारिणी का विस्तार किया गया है, जिसमें सभी पुरुष व्यापारियों और महिला व्यापारियों को समुचित स्थान दिया गया है। उद्योग व्यापार मंडल गदरपुर के अध्यक्ष दीपक बेहड़ ने कहा कि सभी वर्गों को ध्यान में रखते हुए इस कार्यकारिणी का विस्तार किया गया है। व्यापार मंडल में पहली बार महिलाओं को भी स्थान दिया गया है और साथ ही युवा व्यापार मंडल की कार्यकारिणी का भी विस्तार होगा। व्यापार मंडल का आज हम विस्तार कर रहे हैं और युवा व्यापार मंडल का गठन कर रहे हैं। किसको क्या पद दिए जा रहे हैं? महिलाओं को स्थान दिया है, जो कुछ लोग भेदभाव की बात करते हैं, अल्पसंख्यक या SC ST OBC इस तरह, तो किस तरह का आपने समझ में बनाया? अभी मैं आपको पूरी लिस्ट पढ़ के सुनाऊंगा। हमने सभी वर्गों का सम्मान करते हुए सभी वर्गों को के व्यापारियों को हमने सभी वर्ग के व्यापारियों का सम्मान करते हुए जितने भी हमारे वर्ग हैं उन सभी वर्गों को इसमें व्यापार मंडल के जो विस्तार हो रहा है उसमें जोड़ने का प्रयास किया है, और यदि कोई त्रुटि रह जाती है तो मैं उन लोगों से क्षमा चाहता हूँ। हालांकि हमने बहुत सोच समझकर और पूरा प्रयास करके भी हर समुदाय के व्यक्ति को इस व्यापार मंडल में जोड़ा जाए। जी हाँ, हमने महिलाओं को भी जोड़ा है। अभी आपके सामने पूरी सूची मैं पढ़ के सुनाऊँगा। महिलाओं को भी हमने इसमें साथ जोड़ा। अभी फिलहाल हमने वरिष्ठ उपाध्यक्ष पुरुष, उपाध्यक्ष पुरुष और महिला उपाध्यक्ष, और सचिव पुरुष और विशेष सलाहकार, ये हमने पुरुष में, और उपाध्यक्षा महिला, उपाध्यक्षा महिलाओं में लिया।